हेलो गाइज, वेलकम है फिर से एक नई वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो कॉमन सा टॉपिक सभी लोगों के माइंड में रहता है कि ये जो सरप्लस के कपड़े हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़े हैं, वो कहाँ से आते हैं। और मैं ये हर तीसरे कस्टमर को मुझे ये बताना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक ट्यूटोरियल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो, जितने भी लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका 99% कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़े, नॉर्मली सभी को ये पता है कि यूज्ड क्लॉथ होते हैं, उसी नाम से सेल्ड होते हैं, सोल्ड होते हैं, ठीक है, पानीपत में, दिल्ली में, जो इसका मेन मार्केट है, ठीक है। बट बिकता बहुत सारी जगह पर है, ज़रूरी नहीं है कि मेन मार्केट वहाँ है तो सिर्फ वहीं बिकेगा, बहुत सारे जेन्युइन लोग अदर जगह पर भी हैं, जैसे हम हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि लोगों को लगता है कि भाई ये यूज्ड क्लॉथ है, रैक्स का काम होता है। देखो, इसी नाम से ये बाहर से इंपोर्ट होता है। अगर ये हम बोलें कि नहीं ये कपड़े सेल होने के लिए आ रहे हैं इतने कम, तो वो इल्लीगल हो जाता है फिर। इसलिए रैक्स के नाम से आता भी है, रैक्स के नाम से बिल भी बन के जाता है। अगर आपने कभी माल लिया होगा तो यूज्ड क्लॉथ ही लिखा रहता है या फिर रैक्स लिखा रहता है, ठीक है। ये नहीं लिखा होता है कि जींस की बेल है तो भाई जींस, टी शर्ट, टॉप, कॉट, ये सब कुछ नहीं लिखा रहता, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें किससे कैसे कपड़े होते हैं, मतलब यूज्ड क्लॉथ बोलकर आता है तो क्या इसके अंदर सिर्फ यूज्ड क्लॉथ होता है या फिर किस तरह के कपड़े होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि ये इसे मैं तीन चार कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला जो होता है यूज्ड क्लॉथ, जो वन टाइम यूज्ड होता है, मैं चारों टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला होता है वन टाइम यूज्ड, दूसरा होता है कंपनी का रिजेक्शन, ठीक है, कंपनी का रिजेक्शन होता है। तीसरा स्टोर रिटर्न आइटम, ठीक है। चौथा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। आई होप जो बंदे काम कर रहे हो ये चारों पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स को इजीली समझ चुके होंगे बिना बताने, तो वो स्किप आगे भी कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं समझा वो लास्ट तक देखिएगा। पहले जो मैंने बोला वन टाइम यूज्ड, मीन्स कि बहुत सारे कंपनी, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, जैसे टीवी शो हो गया, डांसिंग शो हो गया, सिंगिंग शो हो गया, ओलंपिक्स हो गए, उसी तरह बाहर की कंट्री में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें कि कपड़े यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शूटिंग हो रही है, अब एक हफ्ते की, वन टाइम यूज़ का मतलब ऐसा नहीं कि वन टाइम ही यूज़ हो रहा है, कोई शूटिंग्स हो रही है, टीवी शो है, सीरियल है, तो हफ्ते, 10 दिन या 1 महीने की शूटिंग है, तो उस कॉस्ट्यूम को उस समय के बाद थ्रो कर दिया जाता है। मतलब शूटिंग मतलब यूज़ ख़त्म हुआ, फिर वो थ्रो हो गया, फिर वो नहीं रखा जाता, मोस्टली जगह पर नहीं रखा जाता है बाहर की कंट्री में। इंडिया में तो खैर उसको भी सहेज के रखते हैं कि भाई चलो, तो अगला बार में वो कपड़ा से तो उसकी पहचान हो जाती है ना, तो वो कपड़ा फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। दूसरी, जैसे कोई ओलंपिक में दौड़ रहा है या किसी भी, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आउट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ पर जो कपड़े एक बार यूज़ किए जाते हैं ना, एक या दो बार या एक हफ्ते जब तक उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसके बाद वो थ्रो कर दिए जाते हैं सरप्लस के अंदर, ठीक है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कंपनी, जैसे आपने मेरे को कोई ऑर्डर दिया, कोई बल्क ऑर्डर दिया, और मैंने मान लो उसको बनाया और मैंने आपको दिया, उसमें कुछ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मिसमैच हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर आप रिजेक्ट कर दोगे, तो वो भी सरप्लस में जाता है, ठीक है, वो भी सरप्लस में जाता है। सरप्लस भी दो टाइप का होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस और एक ओनली सरप्लस। मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करो, मैं बताऊँगा, बट अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कपड़े भी एक्सपोर्ट सरप्लस में चले जाते हैं। चौथा, तीसरा जो स्टोर रिटर्न आइटम होता है, मान लो जो हर ईयर कंपनी अपना प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है, मान लो नॉर्मल हम लोग जो दुकानदार हैं, हम लोग का क्या होता है कि कपड़े मान लो ये बच गए, विंटर का माल जैसा है ये बच गया, ये जो दिख रहा है समर का माल ये बच गया, विंटर आएगा तो जो क्या करेंगे, हम मोड़ के फिर कहीं पैक करके रख देंगे, भाई अगला विंटर आएगा या अगला समर आएगा तो उसको उसमें यूज़ किया जाएगा। बट कंपनियाँ क्या होता है ना, कंपनीज अपना जो प्रोडक्शन होती है ना, वो लगभग समझ लो हर ईयर करती है, और जो माल बच गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये टी शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट अगर मान लो बच गया, ठीक है, 2020 का है ये, अब 2022 आ गया, 2020 का ये सेट बचा हुआ है, तो ये जैसे ये ब्रांड है, ठीक है, दिख रहा है आपको, तो अगर सिर्फ इसका एक ही पीस बचा हुआ है, ओनली एक पीस बचा हुआ है, या फिर एक दो पीस बचा हुआ है अलग अलग साइज़ का, अलग अलग कलर सेट में अलग अलग साइज़ बचा हुआ, मतलब कट साइज बोलते हैं इसको, तो ये चला जाएगा एक्सपोर्ट सरप्लस के अंदर। लेकिन अगर ये सेट वाइज होता, मतलब इसके पूरे कलर और पूरे साइज अवेलेबल होते, तो ये जाता सरप्लस में। एक छोटा सा मैंने कॉमन फ़र्क बता दिया आपको। तो ये इस तरह से जितना भी प्रोडक्ट होता है ना, वो भी चला जाता है एक्सपोर्ट सरप्लस में, ठीक है, इसको कहते हैं स्टोर रिटर्न आइटम।
ठीक है, बहुत बार इसमें टैक्स वगैरह भी लगे होते हैं, बहुत बार कंपनी अपने टैक्स को हटा कर बेचती है। मैं वीडियो थोड़ी जल्दी में बना रहा हूँ, थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ, तो जहाँ दिक्कत हो बैक कर लेना, फिर से सुनना, ठीक है। चौथा बोला मैंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कंपनी जब बनाती है, प्रोडक्शन करती है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ मिसमैच होता है, जैसे सिलाई को लेकर, फिटिंग को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। ऐसा कोई पीस भी होता है तो वो भी यूज एंड थ्रो हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक दो बार में वो कंपनी लॉट में आता है माल, वो रखा रहता है काफ़ी टाइम तक रखा रहता है, जब तक ह्यूज क्वांटिटी नहीं हो जाती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्शन कर रही है तो भाई 500 पीस में 200 प्रोडक्ट 200 डैमेज हो जाएगा, वैसे नहीं, बाई मिस्टेक बाई चांस एक दो पीस ऐसा 2-4-10 पीस निकल जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय। तो वैसे करते करते जब वो 1000 क्वांटिटी हो जाती है ना, 1000 पीस की, तब तक वो स्टोर रहता है। उस चक्कर में कुछ पीस पुराने हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, फट भी जाते हैं, दीमक भी लग जाते हैं, बट समझ लो उसमें मैक्सिमम पीस जो है बढ़िया होता है और उसको एक ही बार कोई वेंडर उठाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है ना, ऐसे हम लोगों को रिटेलर्स को वो नहीं प्रोवाइड करती है, वो रेक्स के नाम से कंपनी जो वेंडर है वो रेक्स बोलकर उठाता है। फिर उनको पता है कि इंडिया में इसका बहुत बड़ा मार्केट है और इसकी पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या करना चाहते हो, हमारा ये ऑफिशियल चैनल है, हमारे इस पर बहुत सारी लाइव अनबॉक्सिंग वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी, तो जाकर देखो। ये मैं फर्स्ट ऐसी ब्लॉग टाइप की वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। मैं मतलब इंक्वायरी जितनी भी आती है ना, उसमें हर दो बंदों को छोड़ के हर तीसरे बंदे को ये चीज़ बताना पड़ता है। साइज़ की बात करें तो देख सकते हो आप, ये सारा का सारा जो साइज़ है, ये देखो, ये सारा इंडियन साइज़ होता है, ठीक है, सारा इंडियन साइज़ है। पजामे की बात करूँ, देखो, सारा इंडियन साइज़ है, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब बल्कि नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो, सारा इंडियन साइज़ है, सारा रेक्स का माल है। ये देखो कितना बड़ा ब्रांड है, लोगों से ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, सारा इंडियन साइज होता है। तो समझ लो बेसिकली, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये लेडीज़ में देखो, ये शॉर्ट्स हैं, ठीक है, ये देखो, ये है ना, ये जो आइटम है ये सब नाम से बिकता है, इसके ब्रांड से बिकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे इसमें जितने भी दिख रहे हो ना आप, सारा का सारा इंडियन साइज है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा रेक्स के नाम से आता है तभी आपके पास इतना सस्ते में पहुंच पाता है, या अमिताभ बच्चन का स्टाइल में आ गया मैं, तभी इतने सस्ते में पहुंच पाता है। तो इसलिए ये वीडियो आई होप आपके आपकी कुछ जानकारी को ज़रूर बढ़ाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर जानना चाहते हो वीडियो या फिर कुछ, तो वो कमेंट करके बताओ। थैंक यू। दाढ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है, अगली वीडियो में क्लीन शेप मिलूँगा, क्लीन नहीं मतलब वेयर्ड थोड़ा सेट करके, दाढ़ी थोड़ी वाइट हो रही है भाई, कमेंट वमेंट करके बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक यू।